सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं दिवाली आने वाली है और दिवाली का सीजन है, तो हमें अपने घर के लिए सजाने के लिए कुछ ऐसे अच्छे आइडियाज चाहिए, तो हम आपके लिए वही आइडियाज लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। आपको चाहिएगा धागा और फेविकॉल और 3 बलून। हम पानी को इस फेविकॉल के अंदर घोल देंगे और इसको पतला पेस्ट बना देंगे ताकि हम उसे अच्छी तरह से चिपका सकें। और हम यहाँ पर हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी चम्मच या फिर किसी और चीज़ से इसे घोलें क्योंकि आपका हाथ इससे ख़राब हो सकता है। हम इस पर धागा लगाना शुरू करते हैं। अगर आप धागा लगाते समय अपने हाथ में ग्लव्स पहनेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आप गोल गोल करके इसे लपेटते लपेटते हुए चिपकाएं और चिपकाते रहें। जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही करें आप। तो हम थोड़ा इसे फास्ट कर देते हैं क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनेगा तब बता देंगे, ये तो तेज़ी से लपेटते हैं। और हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है और हम इसे सुखा देंगे और करीबन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद में हमने इसे देखा तो ये कुछ इस तरह से हो गया था। और अब हम इस बलून को फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद बलून के अंदर से जो हवा होगी वो बाहर निकल जाएगी और हम इस बलून को निकाल देंगे बाहर। के बाद मशक्कत के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है और हम इसे सही से कर देते हैं और हमारा बहुत ही आसानी से ये पूरा हो चुका है प्रोडक्ट और आइटम। और हम इस तरह की 3 आइटम बना रहे हैं और आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो अभी समय है इसमें वायरिंग करने का, तो अब हम वायरिंग करेंगे इसके अंदर। और हमने 3 वायर लिए हैं और अब 3 LED लाइट्स लिए हैं जिससे हम इन पे LED लाइट्स लगाएंगे। और आपको भी कह रहे हैं कि आप सावधानी से LED लाइट्स लगाएं। तीनों LED लाइट्स को आपको अच्छी तरह से ज्वाइन करना है। ये LED लाइट्स आपको मार्केट में 2 से 3 रुपए में मिल जाएगी और आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। और हमें एक ऐसे वायर लेने हैं जो बैटरी से कनेक्ट हो सकें। और अब हम 20 वोल्ट की एक बैटरी लेंगे जो आसानी से 20 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाती है। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस टेस्टिंग में इसे एकदम सही तरह से जलाया है। तो तैयार है हमारी लाइटें इसमें लगने के लिए और अब हम इनमें एक साथ में लाइटें लगा देंगे। और बहुत ही आसानी से हमने इन तीनों को लगा लिया है और अब हम इनमें लाइट लगाते हैं। बैटरी लगाएंगे और लाइट देखेंगे।
लाइट तो जल रही है अच्छी तरह से, मगर हमें सही से दिख नहीं रही है, इसलिए हम अंधेरे में जाएंगे और इन्हें देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ही वंडरफुल और कितना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट तैयार है और आइटम तैयार है। इसे आप अपने कमरे में लगाएं या फिर हॉल में लगाएं, ताकि आप दिवाली के समय इसमें बहुत ही अच्छी लाइटिंग कर सकेंगे और आपका घर बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट हो सकेगा। तो आज पहला प्रोडक्ट समाप्त हुआ और अब हम दूसरे प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, डेकोरेशन सेकंड। तो आपको लेना है एक बलून और वही सिस्टम जो धागे पहले लिया था, उसमें पानी मिलाकर आपको पेस्ट गीला करके बनाना है। तो लेना है एक बलून और धागा और फेविकॉल और एक कटोरी जिसमें थोड़ा सा पानी हो। हमने इस कटोरी में फेविकॉल मिलाया और अब हम इसे हाथों से हिला देंगे। आप जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसे हाथ से ना हिलाएं क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। काफ़ी अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है हमने, इसे मिक्स कर दिया है और हम धागा लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। बलून पर हम धागा डालने के का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आप अच्छी तरह से इस बलून के ऊपर धागा डालें। आप चाहे तो दूसरा बलून भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा बलून। अब हम मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए बलून, ताकि आपका प्रोडक्ट बड़ा बनेगा, आइटम बड़ा बनेगा। जैसा हम मतलब इस पर लपेट रहे हैं, इस पर घुमा रहे हैं, वैसा ही आप घुमावें कि इससे आपका जो आइटम होगा वो अच्छी तरह से बन जाएगा। इसे हम फटाफट कर देते हैं और फिर हम इसे सूखा भी देंगे और हमारा सूखा प्रोडक्ट है वो बन चुका है। अब हम इस बलून को फोड़ देते हैं। फोड़ने के बाद बलून की जो हवा होगी वो बाहर निकल जाएगी और देख लीजिए आप जैसा कि हमारा प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। आप सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसा होगा, इसे फुला भी सकते हैं। Wave beats music. हमने बल्ब डाल दिया और एक अच्छी तरीके से इसे बना दिया और हम सॉकेट डालते हैं नीचे और इसे अंधेरे में ले जाएंगे, तभी आपको सही दिखा पाए। सेकंड से आप कुछ मिनट्स में बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही घर के डेकोरेशन थर्ड पे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं डेकोरेशन थर्ड। तो इसमें हमें लेना है एक कार्डबोर्ड, ये गोल गोल टाइप में और हम इसको बाहर निकाल देंगे और हमने इस कार्डबोर्ड की साइज भी दी हुई है। आप चाहें तो इस साइज से बना सकते हो पेपर से। उन्हें हमें उल्टा चिपकाना है क्योंकि इससे सामने वाला जो भी देखेगा या फिर डेकोरेशन लाइटिंग पड़ेगी सही से। हमने लिए यहाँ पर चार
ट्राइंगल जिनकी साइज़ भी दी हुई है ट्राइंगल शेप में है, और अब हम इन्हें एक एक करके चिपका देंगे। जी दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनको एकदम सही से चिपकाना है, क्योंकि इधर आपने अगर इन्हें सही नहीं चिपकाया तो आपका शेप भी बिगड़ सकता है। तो हमने यहाँ पर चिपका दिया, और अब हमें सॉकेट डालने के लिए यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा जिससे हम काट के कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर होल कर दिया है, और अब हम सॉकेट को फिट करेंगे, और हमने यहाँ पर ग्लू गन से इस सॉकेट को फिट किया है और चिपकाया है। और अब हम अंदर एक वाइट बल्ब या फिर कलरफुल बल्ब भी ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। और अब हम अंधेरे में जाके आपको इसकी टेस्टिंग करवाते हैं। तो भाई लोग काफ़ी एकदम गदर आइटम बना, और कितना तगड़ा आइटम है। इससे आप अपने घर को एक अच्छी रौनक दे सकते हैं, एक अच्छी सजावट दे सकते हैं, और आपका घर लगेगा पूरे पूरे मोहल्ले से अलग। और अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें।